हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के ब्लॉग में हम आप सबको अपने घर का पूरा दिखाते हैं कि हमारा घर कैसा है, कहाँ पे है। आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग किस स्थिति में रहते थे और आज हम लोग का क्या है। तो ये जितना देख रहे हैं आप सब कच्चे का है और ये हम लोग का पुराना घर है पूरा। और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये मेरा पूरा खेत है जिसमें अभी रहर का खेती हुआ है। और ये सामने वाला मेरे फ्रेंड लोग का घर है, पंडित कास्ट के हैं सब। आगे आगे जो नल है, पहले हम लोग को पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, इसलिए अपने पैसे से नल को भी लगवाना पड़ा, क्योंकि यहाँ सरकार किसी का नहीं सुनता भाई, हम लोग का कैसे सुनेगा। दो तीन कमरे का नया घर बन चुका है, लेकिन अब हम लोग इस जगह पे नया घर स्टार्ट करने वाले हैं तकरीबन 2 या 3 महीने के अंदर अंदर। और धीरे धीरे आप आगे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा रेलवे लाइन है आगे, ये देखिए उधर से पूरा जबलपुर साइड के जाने के लिए रास्ता बना हुआ है रेलवे का। और ये घर हमारा बरगवा में पड़ता है। और ये था हम लोग का आशियाना जो पुराने घर में था, और ये था हमारा पुराना घर जहाँ हम लोग रहते थे, खाते थे, घूमते थे, यहीं से हम बड़े हुए। फिर धीरे धीरे हम यहाँ रहना छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे कोई रह नहीं गया मेरा। ये वाला पुराना घर है, सब उधर रहा है, अब टूट रहा है धीरे धीरे, अब क्योंकि नया बनाना है। 2-3 कमरे का बन भी गया है और धीरे धीरे काम चालू कराना है। ये पहले हम लोग का किचन था और हम लोग इधर सोते थे, इस साइड सोते थे, ऐसा स्थिति था। धीरे धीरे सब बदलता है, जिंदगी हमेशा वैसा ही नहीं रहता। अब ये इधर भी था, फिर ये सब टूट रहा है धीरे धीरे, कोई मरम्मत वरम्मत होगा नहीं अब इसका, अब सब नया ही तैयार किया जाएगा क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा है। और आप आगे चलिए, अब आपको दिखाते हैं हमारा जो 2-3 कमरे का तकरीबन है, 3 कमरे का एक किचन, 2 रूम बना हुआ है, उसका दिखाते हैं हम आपको वीडियो। काम भी चालू है, बन के तैयार हुआ है, तो पुताई वगैरह चालू है, लगे हुए हैं भैया लोग पोतने में, बुलाया गया इनको सुबह से, ये पोत रहे हैं। अब देखते हैं, ये दूसरा रूम है, तो किचन इसके साइड में है, ये दूसरा रूम है अपना जो कि हाल ही में बन के तैयार हुआ है, सब बना है। मेरी दादी थोड़ी ओल्ड है इसके लिए इसको ये सब ऐसा बना हुआ है, ये भगवान है जहाँ हमारे घर के लोग पूजा करते हैं। और बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बीत रही थी। ज़रूरी समझे कि हम आपको ज़रूर दिखाएं, इसके लिए दिखा रहे हैं। ये दूसरे कमरे का रूम है,